क्या से क्या हो? हैं? ये डिसलाइक्स कैसे कम हो गए? कुछ तो झोले भैया। तो भैया तुम सभी को तो पता ही होगा कि जस्टिस फॉर नेपाल कितना चल रहा है कुछ दिनों से। एक को तो इतना हेट आया कि वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। तो ये सब बातें तो तुम लोगों को पता है कि किसके किस तरह से लगे। तो आज ये वीडियो में हम तुमको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं, इसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में ये सब सीन होने के पीछे का रीजन क्या है। ये वीडियो में हमने तुम सभी को कुछ बातें बताया था, जैसे इस यूट्यूबर को जो भी लोग हेट कमेंट कर रहे हैं तो वो हेट कमेंट करने से कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। एंड ये दीदी ने अपना कुछ लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया था अपने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके, एंड एज एक्सपेक्टेड वो स्टेटमेंट पे भी लोगों ने हेट कमेंट पे ना स्टार्ट कर दिया। अपना थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, क्या इसको हेट कमेंट करने से तुम लोगों को क्या जस्टिस मिलेगा? 6 से 7 दिन हो चुके हैं ये मैटर को बीत के, क्या मिल गया भैया जस्टिस? चलो ये सब बातों को साइड में रखते हैं। अब कुछ लोगों को ना हवा में बातें फेंकना बहुत पसंद है। बात तो सही है, अपने वीडियो को यूनिक बनाने के लिए कुछ तो डिफरेंट बोलना पड़ेगा ना। अब देखो, अपने जस्टिस के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है और तुम लोगों को लड़ना भी चाहिए। और अगर तुम ध्यान इस पे नहीं दोगे तो ऐसी पार्शियल और आगे भी हो सकती है। और कुछ लोगों का कहना है कि स्पैम करने से कुछ नहीं होता, तो भैया स्पैम करने से बहुत कुछ होता है, बट कब होगा? जब तुम लोग स्पैम सही जगह करोगे। और स्पैम करने की वजह से ही बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला है। और ये नेपाल का सीन भी सभी लोगों को स्पैम करने की वजह से पता चला है। एंड नेपाल के लिए बहुत सैड फील होता है कि दोनों रीजन को सब चीजें मिले बट नेपाल को नहीं। और ये नेपाल के यूट्यूबर्स चाहे ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में है, बट ये पार्टनर प्रोग्राम वाले कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर तुम्हें बैठे बैठे 70 से 80 हजार रुपए मिल रहे हैं, डायमंड्स मिल रहे हैं, कस्टम्स मिल रहे हैं, ये सब फैसिलिटीज मिल रहे हैं कुछ भी नहीं करने के लिए, तो फिर तुम लोग अपना फक क्यों दोगे? ये क्रिएटर्स को अच्छे से पता है कि ये सब बातें तुम 2-3 दिन करोगे, उसके बाद भूल जाओगे। एंड हमने ये बात वो वाले वीडियो में भी बताया था। अब मेन मुद्दा ये उठता है कि ये जो ट्री सीरीज हो रहा है 3 रीजन के बीच में, तो भैया इसमें नेपाल को क्यों नहीं लिया गया? अपने सर्वर में तो 3 रीजन आते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो पाकिस्तान को क्यों लिया गया? तो ये चीज नेपाल के साथ थोड़ा अनफेयर हुआ और ये बात पे किसी को भी गुस्सा आएगा। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नेपाल में ज्यादा प्लेयर्स हैं, फिर भी ट्री सीरीज में नहीं लिया गया। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नेपाल में ज्यादा ई स्पोर्ट्स का इंटरेस्ट है, फिर भी ट्री सीरीज में नहीं लिया गया। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नेपाल में फ्री फायर का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, फिर भी ट्री सीरीज में नहीं लिया गया। एंड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, नेपाल में हर दिन बहुत सारे नए प्लेयर्स जुड़ रहे हैं, बट भैया ट्री सीरीज में फिर भी नहीं लिया गया। तो आखिर क्यों 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 नेपाल को नहीं लेने के पीछे का रीजन क्या है? तो अभी हम तुम्हें एक पोटेंशियल रीजन बताने वाले हैं। अब यहाँ पे तुम एक प्लेयर की तरह मत सोचना, एक बिजनेस की तरह सोचना, एक फर्म की तरह सोचना। फॉर एन एग्जांपल, तुम्हारा एक बहुत बड़ा कंपनी है और तुम वो कंपनी के ओनर हो, तो तुम्हारा मेन टारगेट क्या रहेगा, प्राइमरी टारगेट क्या रहेगा? यही रहेगा ना कि जितने जल्दी हो सके बिजनेस का एक्सपांशन करे एंड बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन करे। तो ये तुम्हारा प्राइमरी टारगेट रहेगा। एंड देन सेकेंडरी टारगेट रहेगा पैसे कमाने का, क्योंकि तुम्हारे प्रोडक्ट का जितना ज्यादा रीच होगा तुम्हें उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। भैया यही सेम चीज गरेना भी चाहता है। पाकिस्तान में उतना ई स्पोर्ट्स का क्रेज नहीं है, पाकिस्तान में उतना फ्री फायर का क्रेज नहीं है, पाकिस्तान में उतने फ्री फायर के प्लेयर्स नहीं है। तो गरीना ये चाहता है कि फ्री फायर जितना ज्यादा हो सके उतना पाकिस्तान में भी फैले, ताकि पाकिस्तान से भी उन्हें एक डेडिकेटेड नंबर ऑफ ऑडियंस मिले। एंड अभी तो एक मेन मुद्दे पे आना बाकी है, तो मेन मुद्दे पे आते हैं एक ब्रांड इंटीग्रेशन के बाद एंड कुछ सेल आउट्स वाले कमेंट्स के बाद। तो अभी हम तुमको बताने वाले हैं गरीना बैटल के बारे में, जहां पे तुम लोग टूर्नामेंट्स खेल के अर्न कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से ये ऐप को डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद तुम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा एंड साइन अप करने के बाद तुम लोग टूर्नामेंट्स खेलने के लिए रेडी हो। यहाँ तुम लोग देख सकते हो कि फ्री फायर के बहुत सारे मैचेस अवेलेबल है। यहाँ पे तुम लोग फ्री फायर के क्लासिक मैच के साथ साथ क्लैश स्क्वाड भी खेल सकते हो। यहाँ पे हर मैच को ज्वाइन करने पे तुम्हें स्क्रैच कार्ड भी मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। एंड यहाँ पे विनिंग अमाउंट इजिली विड्रॉ हो जाता है विद इन 1 आवर। यहाँ पे तुम्हें छोटे से लेकर बड़े मैचेस तक देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके डाउनलोड करो। तो अभी बात कर लेते हैं कि एक ऑफिशियल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कैसे होता है। तो कोई भी ऑफिशियल टूर्नामेंट होने से पहले उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये देखा जाता है कि कैसे टूर्नामेंट होगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी एंड कैसे पूरी चीजों को वेल मैनेज किया जाएगा विदाउट एनी ट्रबल। ये सब चीजें जब पूरी मैनेज हो जाती है देन उसके बाद एंड में आते हैं स्पॉन्सर्स। और गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए गरीना दर दर भटकता नहीं है कि भैया हमें स्पॉन्सर कर दो, हमें स्पॉन्सर कर दो। गरीना के ऑफिशियल टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर्स को इनकी जरूरत है, ना कि गरीना को स्पॉन्सर्स की। भैया ये वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, कोई स्टार्टअप नहीं है जो इन्हें फाइनेंस की नीड बहुत है। अब तुम ही सोचो, जब एक
कंपनी का पर आर का रेवेन्यू 8 digit में हो तो क्या वो 30-35 lakh के लिए स्पॉन्सर्स ढूंढेगा या 35-40 lakh का टूर्नामेंट गरीना हर दिन करा सकता है? जो कंपनी अपने इन्फ्लुएंसर्स को लाखों में पे कर रहा है तो क्या वो लाखों रुपए का टूर्नामेंट नहीं करवा सकता? ये इतना छोटा अमाउंट है इनके लिए कि अगर ये चला भी जाए ना तो भी इनके बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखेगा। और ये भी जो भी इन्फॉर्मेशन हम तुम्हें दे रहे हैं ना, ये हमने बहुत ही वेल रिसर्च करके प्राप्त किया है, बहुत सारे लोगों से प्राप्त किया है जो इसी फील्ड में है और जिन्हें इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो कोई भी बातों को हमने यूं ही हवा में नहीं फेंका है। और फ्री फायर के ज्यादातर टूर्नामेंट्स तो स्पॉन्सर रहते हैं ना, सच्ची शायद नेपाल के पास स्पॉन्सर्स नहीं है इसलिए टूर्नामेंट नहीं हो रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है? अगर सोच रहा है तो ये देखो, जब बांग्लादेश चैंपियनशिप हुआ था तब इन्हें भी कोई स्पॉन्सर नहीं किया था, अभी भी हुआ ना टूर्नामेंट। एंड इवन जो ये टाइटन इन्विटेशनल हुआ था इसे भी कोई स्पॉन्सर नहीं किया था, एंड ये जो ट्री सीरीज हो रहा है इसे भी कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। एंड स्पॉन्सर्स का मतलब हमेशा फाइनेंस ही नहीं होता है, स्पॉन्सर में टेक सपोर्ट आता है, डिवाइसेस आता है एंड ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। एंड फिर भी जब भी कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो वो इसलिए करती है ताकि उनके ब्रांड का प्रमोशन हो इनके थ्रू। तो आई होप तुम लोग को ये सब बातें अभी समझ में आ गई हो। एंड एक और बात, किसी को हेट देने का कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट हम कुछ इनसाइट्स शेयर कर रहे हैं तुम सभी के साथ। एंड रिसेंटली एक भाई ने कुछ अनोखा प्रदर्शन दिखाया है और वो भाई है हमारे 2B गेमर। तो इनका एक टूर्नामेंट हुआ था जहाँ पे इन्होंने सभी प्लेयर्स को इनवाइट किया था एंड इसके टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड सक्सेसफुली हो गया। देन सेकंड राउंड में इसने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट किया अपने डिस्कॉर्ड पे कि सिर्फ नेपाल के प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। और यही नहीं, इसने आईडी पास डिस्कॉर्ड पे शेयर नहीं किया, टिकटॉक पे शेयर किया। अगर भाई तुझे सिर्फ नेपाल के प्लेयर्स के लिए ही रखना था तो पूरे राउंड सिर्फ नेपाल के प्लेयर्स के लिए ही रखने चाहिए थे। इन्हीं छोटी छोटी गलतियों की वजह से तुम पेले जाते हो। एंड वो बात भी अलग है कि इसने बाद में सब नॉर्मल कर दिया क्योंकि पता चल गया था भैया को बहुत बुरी तरीके से पेला जाऊंगा एंड इन्हीं छोटी गलतियों की वजह से ही तुम पेले जाते हो। एंड नो हेट टू 2B गेमर, जस्ट बता रहे हैं। तो बस आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, आज के इस वीडियो में इतना ही। एंड अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कुछ अलग देखने को मिलता रहेगा। एंड उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट गरीना बैटल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस वाज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन।